हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए आज मैं कौन सा काम करने जा रही हूँ। मैं आज अपने सभी पौधे में फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और कौन सा फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ ये मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी। उसके पहले देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। और यहाँ पर जितना पौधा रहता है वो काफ़ी ग्रीन रहता है। देखिए मेरा कड़ी पत्ता कितना खूबसूरत होते जा रहा है। और कुछ पौधे तो ख़राब भी हो रहे हैं जिनको ट्रांसप्लांट भी करना है मुझे। तो देखिए ये मैं कल शाम को ही सारा पौधे की मिट्टी को कोड़ाई की थी। ऐसे मैं हमेशा मिट्टी का कोड़ाई करते रहती हूँ, लेकिन जब फर्टिलाइज़र डालना होता है तो मिट्टी बिल्कुल सूखा रखती हूँ। तो देखिए सभी पौधे को मैं कोड़ाई की थी कल शाम को, सबका, जितने भी मेरे पौधे हैं A to Z सबका मैं कोड़ाई की थी। बस एक पौधे को छोड़ के जिसको मुझे आप लोग को दिखाना है कि कैसे मैं डाल रही हूँ। देखिए यह है हिबिस्कस जो कि काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है अभी। तो इसका भी मिट्टी सूख गया है, कल इसका भी मैं कोड़ाई की थी। और इधर सारे जो मेरे पौधे हैं, देखिए एक जोरा भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ में होते जा रहा है। और जो मैं फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो मेरे घर इतना अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। मैं हमेशा उसका यूज करती हूँ और काफ़ी डिकम्पोज होने देती हूँ तब मैं उसका यूज करती हूँ। और मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और वो फर्टिलाइज़र डालने के बाद तुरंत ही मेरा पौधा पूरा ग्रीन और पूरा फ्लावरिंग होने लगता है। देखिए ये रोज़ प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको भी मैं कट करूंगी। और ये पिंक है तो इसको मैं कट कर चुकी हूँ। जो भी फ्लावरिंग हुआ था स्पेंड फ्लावर को तोड़ के सब कल मैं काट के रखी हूँ। और देखिए येलो वाला काफ़ी मेरा अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। और ये सब बहुत ग्रीन है जो कि वीडियो में नहीं आ रहा है, उससे भी ज़्यादा ग्रीन है। तो देखिए ये पिंक रोज़ है मेरा, उसका कोड़ाई करके मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छा मिट्टी है, देखिए एकदम छूने से ही हाथ से फिसल जाता है ऐसा मिट्टी है। देखिए सब मेरा रोज़ प्लांट है, सब क्या तीन ही प्लांट है मेरे पास। और कुछ कटिंग भी लगाई हूँ, लेकिन कटिंग में स्प्राउट हो के फिर सूख जाता है। देखिए कड़ी पत्ता और इसमें डेंटस लगा हुआ है, तो मैं इसको इसी में छोड़ दे रही हूँ। और ये भी कोई पौधा निकल रहा है तो इसको भी मैं छोड़ दे रही हूँ, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हटा दूँगी, पता चलेगा कि कौन सा पौधा है। और सबका कोड़ाई करने के बाद मैं सब में अभी डालूँगी लिक्विड। और ये सब तो मैं हटा रही हूँ, वही सब पौधा है, इनको साइड में रखी हूँ, सब हटा रही हूँ जो विंटर के हैं। और इसमें दूसरा फ्लावर मैं लगाऊँगी, तो सब ये सुखा के सबको कंपोस्ट बनाऊंगी। और इधर देखिए 15 लीटर पानी है और 10 लीटर पानी मैं रखी हूँ। और क्योंकि पौधा काफ़ी है तो काफ़ी फर्टिलाइज़र लग जाता है मेरा। और इधर मधुमालती है जो कि बिल्कुल सूख रहा था, तो मैं टेरिस से लेकर आई हूँ। और सबका कोड़ाई करने के बाद मैं अब यही डालूँगी। और बिल्कुल 1 इंच तक इसका कोड़ाई कीजिए जहाँ रूट हो। देखिए यह है मेरा खट्टी छाछ जो कि काफ़ी डिकम्पोज हो गया है और इसमें थोड़ा सा बनाना पिल्स भी है। तो मैं दोनों को छान के रखी थी बहुत दिन से कम 2-3 महीने हो गए होंगे। और आज मैं यही डालने वाली हूँ। ये डालते ही अगर आप सब्जियाँ लगाते हैं तो सब्जियों का पौधा पूरा ग्रीन हो जाता है। अगर मिली बग का अटैक है अपने आप सब मिली बग हट जाता है, पता नहीं चलता है। और ये सबसे अच्छा काम करता है पर्सलेन में। तो देखिए ये इसमें जो मैं डाल रही हूँ बड़ा बाल्टी में, ये मैं टेरिस पे ले जाऊँगी। और इस पे इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो मैं जितना चाहूँ डाल सकती हूँ। देखिए जब भी मैं लेती हूँ एक एक लीटर का बॉटल का लेती हूँ और 2 बाल्टी में डाल के सब पौधे में डाल देती हूँ। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, तो आप लोग भी ज़रूर रखिए। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ज़्यादा दिन होने के बाद इसमें स्मेल नहीं आता है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। और इसमें बनाना पील्स है तो और अच्छा लग रहा है। देखिए इसका कलर से ही पता चल जा रहा है कि पूरा डिकम्पोज है। और ये सब डालने के बाद एकदम समर में बिल्कुल ये सब डालिए आप लोग, इसमें कोई कीड़े फंगस नहीं लगते हैं। और ये सब डालने के बाद समर में पौधा का काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, जैसे आप लोग सीवीड ये सब डालते हैं ना, एक्सन सल्ट, उसका सबका इसमें पोषक तत्व है। मैं वही समझती हूँ, मैं डालती हूँ तो मेरा पूरा पौधा ग्रीन हो जाता है। ऐसे मैं भी डालती हूँ वो सब, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से नहीं डाली हूँ, ना नर्सरी गई हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ, इसको देखिए पत्तों के ऊपर से भी नहला दीजिए
अगर कहीं भी कोई मिली बग कुछ भी होगा तो अपने आप हट जाता है, स्प्रे भी नहीं करना पड़ता है। इससे आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ज़्यादा पौधे को नहला देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है स्प्रे करने में। बहुत ज़्यादा जिसमें लगा हुआ रहता है उसी को मैं स्प्रे करती हूँ, नहीं तो मैं नहला देती हूँ पौधे को। और देखिए, यह है मेरा चित्रक, जिसका वीडियो तो मैं डाल दी हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये डाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको आज बना रही हूँ। कई वीडियो एक ही साथ बनाई थी फ्रेंड्स, लेकिन सबको मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ। और देखिए, सबका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा, ये भी मैं आप लोग से दिखाऊंगी। और इधर है मेरा सुदर्शन, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ में है। और ये 4 o'clock दूसरा कलर है, जो कि कई निकल रहा है। अब कलर निकलेगा तो पता चलेगा कि कौन कौन सा कलर है। देखिए अपराजिता, अपराजिता में खट्टी चच का इतना अच्छा रिजल्ट होता है। देखिए, एक दिन फ्लावर अगर नहीं तोड़ती हूँ तो तुरंत सीड बन जाता है। और ये पर्सलेन तो हर पॉट में हर जगह निकल रहा है। और ये देखिए, एक कटिंग लगाई थी मैं अपराजित, सॉरी पारिजात का, इसको मैं सपोर्ट के लिए लगाई थी, लेकिन ये कटिंग इसमें ग्रो हो गया। तो अभी तो नहीं, बाद में मैं इसको हटाऊंगी रेनी सीजन में। ये अपराजिता का सपोर्ट के लिए मैं लगाई थी स्टिक, और ये स्टिक कटिंग बन गया देखिए। और ये मधु कामनी है, जिसको ट्रांसप्लांट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये धूप लगते ही पूरा मुरझा जाता है। और ये रजनीगंधा में काफ़ी अच्छा ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, और इस फर्टिलाइजर डालने के बाद अब सब में काफ़ी अच्छा ग्रोथ और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगा। देखिए, इधर क्रिसेंथियम का कटिंग है, धूप से अजीब सा हो जाता है एकदम। और ये मेरा आंवला है, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये लगेगा, लेकिन देखिए काफ़ी अच्छा पत्तियाँ निकाल दिया, और अब तो ये लग ही जाएगा। इसको मैं अब फुल सनलाइट में रखी हूँ, क्योंकि ये फुल सनलाइट का ही पौधा है। अगर कम लाइट में रखती हूँ तो इसमें मिली बग लग जाता है। मेरा बड़ा वाला प्लांट में ऐसा हुआ था, इसमें तो नहीं हुआ है। और एक मोगरा का कटिंग है, और सबका अपडेट मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे इसमें फ्लावरिंग होता है और कितना जल्दी ये फर्टिलाइज़र इसको काम करता है। अभी गर्मी नहीं रहता तो इसमें सरसों की खली भी मैं डालती, लेकिन गर्मी है तो नहीं डाल रही हूँ। और सदाबहार तो मेरे घर पूरा छा गया है फ्रेंड्स, हर पॉट में 10-12 ऐसे करके निकल रहा है। और एक कड़ी पत्ता सीड से निकला हुआ है, 3 निकला था लेकिन 2 ख़राब हो गया, मैं टेरिस पे लगा दी धूप में तो। और ये सुलसिया का प्लांट है, तो ये भी मेरा आंवला में ही निकला था। और एक प्लांट कोई और भी ग्रो हुआ है, जो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं लगाई हूँ। देख लेती हूँ कि कुछ फ्लावरिंग होगा तो रखूँगी, नहीं तो हटा दूँगी बाद में। तो बहुत प्लांट निकल रहे हैं मेरे, और सबको मैं इधर उधर करते रहती हूँ, और इसी से काफ़ी पौधा बन जाता है। बहुत ज़्यादा प्लांट निकला हुआ है, और देखिए सब में डाल दी। और अब मैं टेरिस पे जाऊंगी डालने, और अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं बस यहीं पर वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और काफ़ी अच्छा ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है फर्टिलाइज़र, तो आप लोग ज़रूर इसको डालिए। थोड़ा सा भी मलाई निकालिए और पौधे में छांस ज़रूर डालिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।